जय बजरंगबली, जय श्री राम। पता नहीं ये देवा क्या कर रहा होगा। ओए देवा, देवा जल्दी कर, स्कूल का टाइम हो रहा है, जल्दी कर, रेडी तो है ना तू? हाँ हाँ आ रहा हूँ, रुक। रेडी नहीं था ना तू? हाँ हूँ ना मैं रेडी, ये देख। अरे चल आ, मैं रेडी। तू ऐसे ही स्कूल जाएगा? हाँ। इस साल में क्यों, क्या हुआ? टाई ऐसे नहीं पहनते देवा, पता नहीं तू कब बड़ा होगा। मैं बड़ा ही हूँ। हाँ हाँ बहुत बड़ा है तू, अब चल। कभी टाइम पे तू रेडी नहीं होता, पता नहीं तू कब सुधरेगा। रोज तेरा वेट करना पड़ता है, पता है इंतजार करना क्या होता है? तुझे कैसे पता होगा? मुझसे अच्छा और कौन जान सकता है इंतजार करना क्या होता है। बचपन से तो तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अब क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, चल चल। और हाँ कल से रेडी रहना, वरना मैं तेरा इंतजार करूंगी नहीं। स्कूल चली जाऊंगी, फिर बोलना मत राखी तुमने मेरा इंतजार किया क्यों नहीं, समझ गए ना? हाँ चल चल। राखी दे छाता, मैं पकड़ता हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं पकड़ूंगी। मेरी तरफ धूप आ रही है। तो तू अपना छाता लेके नहीं आ सकता है? ओ छाता देने में इतना प्रॉब्लम तुझे? बचपन में जब मैं तुझे लॉलीपॉप देता था उसका क्या भूल गई? देवा इज माय बेस्ट फ्रेंड। अच्छा लगा तुझे? हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी तेरे लिए कुछ लाया हूँ। क्या? रुक मेरे बेस्ट फ्रेंड। लॉलीपॉप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, माय फेवरेट लॉलीपॉप। मुझे तो पता ही था कि ये वाला तेरा फेवरेट है, इसीलिए तो लाया हूँ। थैंक यू, चल घर चलते हैं। टेस्टी है ना? हाँ बहुत अच्छा है। देवा मेरे लिए रोज लॉलीपॉप लेके आना। हाँ मेरे बेस्ट फ्रेंड। चल। बोल बोल, याद आया कुछ? हाँ हाँ याद है, ये ले पकड़। राखी तू जा, मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। तू घर से वॉशरूम करके नहीं आ सकता? मुझे अभी वॉशरूम आया है, तुझे इतना प्रॉब्लम क्यों होता है? ठीक है जा, जल्दी आना। ये देवा ना, इसका ना बहुत ज्यादा ही नाटक है। ये बेस्ट फ्रेंड है ना, इसलिए इतना कुछ झेलता हूँ। पर हाँ प्यार भी बहुत करता है मुझसे, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तुम लोगों ने मेरे ऊपर अंडर उठाए? हाँ तुम लोग कब सुधरोगे? देखो पूरा ड्रेस खराब कर दिया, पूरे दिन में कैसे रहूंगी, कितनी स्मेल भी आ रही है। यही तो हम चाहते थे, तुझे परेशान करना। मिमी जाना, तुम लोग कब सुधरोगे? अगर हम सुधर गए तो बिगड़ेगा कौन? हमारा काम तो हो गया, चल जाना। इन दोनों ने ना मुझे परेशान करके रख दिया है, कैसे रहूंगी अब मैं पूरे दिन। इन लोगों की होठों में इतनी मुस्कान, कुछ तो गड़बड़ है।
ये सब नीमी और चरणा ने किया है। क्या गंदा स्मेल है। तू चल मेरे साथ। राखी, स्मेल तो अभी भी आ रहा है। छोड़, ये स्मेल आती रहेगी। चल चलते हैं। पता नहीं ये मीमी और झरना मेरा पीछा कब छोड़ेंगे। राखी, मुझे लगता है ये दोनों तुझसे जलते हैं। देवा, तू भी ना, मीमी और झरना मुझसे कितने ज्यादा सुंदर है, तो वो लोग मुझसे क्यों जलेंगे भला। होगी वो दोनों सुंदर, पर पढ़ाई में तू कितनी तेज है। सारी टीचर्स की तू फेवरेट स्टूडेंट है। तू भी ना देवा, क्या क्या बातें करते रहता है। कितनी गंदी स्मेल आ रही है ना देवा, तुझे स्मेल नहीं आ रही है। नहीं, मुझे तो अंडे की स्मेल पसंद है। ये हुई ना बेस्ट फ्रेंड वाली हरकतें। चल राखी। हाँ, तुझसे एक बात पूछूं। हाँ पूछ। तू बॉयफ्रेंड नहीं बनाएगी। बॉयफ्रेंड? हाँ? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। और वैसे भी मेरे जैसे चश्मे को आखिर कौन पसंद करेगा। करेगा ना, करेगा, क्यों नहीं करेगा। तू बहुत क्यूट है देवा। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, इसीलिए तुझे मैं क्यूट लगती हूँ। चल छोड़। ऐसे अगर तू बॉयफ्रेंड बना भी ले तो किस तरह का लड़का पसंद है तुझे। मुझे? हाँ? मुझे टॉल और हाँ ब्लैक हैंडसम और हाँ स्मार्ट होना चाहिए। काला भी होना तो बहुत गुड लुकिंग हो। उसको देखते ही मुझे लगना चाहिए वाओ वाओ, क्या लड़का है देवा, देख। क्या लड़का है देवा, ब्लैक हैंडसम, गुड लुकिंग, स्मार्ट, टॉल। तू बैठ, मैं अभी आई। क्या हुआ, जा? नहीं, मुझे नहीं जाना। मिमिता, उस राखी के साथ बहुत अच्छा हुआ, सारे टीचर्स के फेवरेट बनती थी ना। अब जब देखेंगे उसका इतना गंदा यूनिफॉर्म, तब तो उसको डांट पड़ेगी पड़ेगी। हाँ वो है। तू ये सब छोड़, आज ना शर्मा अंकल के बेटे आने वाले हैं। शर्मा अंकल के बेटे कौन? अरे वो मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड के बेटे, और उनके बेटे ने हमारे स्कूल में एडमिशन लिया है। और तुझे पता है वो लड़का ना पहले बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। मेरे पापा कह रहे थे कि वो लड़का अच्छा नहीं है और हमें उससे दूर रहना चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि वो लड़का ना सिगरेट, दारू और जितने भी नशे है ना सब करता है, इसलिए ना उसे बोर्डिंग स्कूल से निकाल दिया। झरना, स्कूल में किसको बताना मत कि मैंने तुझे ये बोला, समझ गई? हाँ समझ गई। क्या समझी? हमें उस लड़के से दूर रहना है। हाँ, वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मिमिता, मुझे तो उस लड़के से अभी से डर लगने लगा है। हेलो, एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? मैं शर्मा अंकल का बेटा, शायद तुम्हारे पापा ने तुम्हें बोला ही है। बाय द वे, मेरा नाम राहुल शर्मा, और वैसे मेरे पापा ने तुम्हें बोला ही होगा मेरे बारे में। मतलब ये शर्मा अंकल के वही बेटा है, नशेरी। हाँ, तुम्हारा नाम राहुल है। वैसे शर्मा अंकल कौन है? ये मिमी की भूलने वाली बीमारी। अरे मिमी, शर्मा अंकल तुम्हारा पापा का बेस्ट फ्रेंड, पहचाना नहीं? शर्मा अंकल, नाइस टू मीट यू राहुल। अगर स्कूल में किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे याद करना, ठीक है? उफ़, ये मिमिता की भूलने वाली बीमारी पता नहीं कब खत्म होगी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। तो चले? कहाँ? क्लास। ठीक है, चलो। ये इस लड़के के साथ कहाँ जा रही है? ओए मिमी, कहाँ जा रही है? हमें तो वॉशरूम जाना था ना, भूल गई। तुम जाओ, हाँ बाद में मिलते हैं। ओके। ओ मिमी, भूल गई, ये वही लड़का है,
शर्मा अंकल का बेटा याद कर। हाँ मुझे पता है कि वो शर्मा अंकल के बेटे है। झरना तुझे पता है ना हमें उस लड़के से दूर रहना है। अभी क्लास नहीं जाएगी देवा? ऐसे यूनिफॉर्म में क्लास अटेंड करूंगी ना तो सर मुझे तो डांटेंगे। मुझे तो नहीं जाना, तुझे जाना है तो तू जा। नहीं तो फिर मुझे भी नहीं जाना। देवा वो लड़का हैंडसम लगता है, न्यू स्टूडेंट आया है। देवा देवा जाके बात करूँ उससे। हाँ जाके देख। नहीं यार वो कितना हैंडसम है, वो थोड़ी मेरे जैसे चश्मे से बात करेगा। तू जाके तो देख। मैं अब आया। हेलो 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 हाय हाय। हेलो सुनो सुनो सुनो। हाय तुम न्यू स्टूडेंट हो? हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? राहुल शर्मा। हाय मेरा नाम राखी है। लड़की ने कैसा परफ्यूम लगाया था? कर ली बात, मिल गई शांति। भूल गई है क्या तेरी बॉडी से अंडे की स्मेल आ रही है, वो भी बहुत गंदी वाली। चुप कर। सुबह जितना नाश्ता करके आया था सारा निकल गया। पता नहीं वो लड़की कैसा परफ्यूम लगा गया था, कितना गंदा। राहुल फिर से भूख लग गया, पहले कुछ खा लेता। भैया एक कॉफी और चॉकलेट। राखी क्लास बंक करके बहुत अच्छा लगता है ना। देवा चल मुझे भूख लगी है, कैंटीन चलते हैं। भूख लगी है तुझे? हाँ। तो चल चलते हैं। पैसे तो है ना तेरे पास? हाँ मेरे तो पैसे, तेरे पास पैसे है क्या? हाँ हाँ मेरे पास भी है। चल तो चल। अब पेट भर गया, जाके बिल दे देता। क्या हुआ? चल नहीं अभी नहीं जनू, उधर दे एक चाउमीन और एक कॉफी। भैया थैंक यू। अरे राहुल रुको, बहरे बहरे हो क्या? सुनाई नहीं देता। ये लड़की जितना खाया फिर से उल्टी हो जाएगा। अरे अरे राहुल, अरे अरे राहुल मेरी बात सुनो। अरे राहुल
बच गया। क्या हुआ, दे दिए उसको पैसे? नहीं यार, वो लड़का मुझे देख के भाग गया। पर कोई ना, मैं उसके पैसे देकर आऊंगी। चल छोड़, बोल क्या खाएगी? छोले भटूरे। ठीक है, मैं अभी छोले भटूरे खाऊंगा, ऑर्डर करके आता हूँ। मिस्टर राहुल, तुम्हें ना मैं तुम्हारे पैसे लौटा के रहूंगी। मिमिता, वो नशेड़ी लड़का तो क्लास में था ही नहीं, तो है कहाँ? हाँ, वो बहुत हो गया लगता है, यहाँ पे कोई नहीं। ये लड़का स्कूल में सिगरेट पी रहा है, ये तो बहुत डेंजरस है। जल्दी पी रहा हूँ, घर नहीं स्कूल, वरना यहाँ से मुझे निकल देगा। निमिता, ये गलत है, स्कूल में सिगरेट ये बात तो हमें सर को बतानी चाहिए। हाँ जाना, तू सही बोल रही है, हमें ये बात सर को बताना ही होगा, ये गलत है। चल तो मेरे साथ। निमिता, तुझे पता तो है ना सर के सामने क्या बोलना है? हाँ मुझे पता है, मुझे सर को क्या कहना है, मैं उतनी भी भुलक्कड़ नहीं हूँ जितना कि तू सोचती है।